रुक करेंगे सबसे पहले रायपुर का, जहां से बड़ी खबर मिल रही है। बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बैठक ली। विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई है। हर बूथ में 10 महिलाओं को सक्रिय रूप से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। चौथी बार भी छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनेगी, ऐसा कहना है राष्ट्रीय अध्यक्ष का। विजया राहटकर ने यह बैठक ली है। विधानसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में चर्चा की गई और हर बूथ पे 10 महिलाओं को सक्रिय रूप से काम करने की जिम्मेदारी इस बैठक में सौंपी गई है। बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो गई है। कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। कुलेश्वर, बीजेपी महिला मोर्चा पदाधिकारियों की बैठक खत्म हो चुकी है, क्या कुछ इस बैठक में चर्चा के बिंदु रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगी कि तीन दिवस प्रवास से राष्ट्रीय अध्यक्ष आई हुई है यहाँ पे रायपुर में। कल उन्होंने बाइक रैली किया था और आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में बैठक की महिला मोर्चा की। उसमें सभी जितने भी मोर्चा के पदाधिकारी है उनको कहा था कि हर बूथ में 10-10 महिला को वहाँ पे रखा जाएगा, काम कराया जाएगा। यही सब मुद्दे को लेकर चर्चा की गई और साथ ही जो राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने ये कहा कि महिला मोर्चा पूरी तरीके से आगामी चुनाव के लिए तैयार है, इसको लेकर आज यहाँ पे बैठक की गई। वहीं हर बूथ में 10-10 महिला को तैयार किया जाएगा, उनको सक्रिय रूप से वहाँ पे काम कराया जाएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बूथ को ज्यादा फोकस किया जा रहा है चुनाव में, इसलिए बूथ स्तर पे काम करने के लिए उनको ज्यादा बोला गया। वहीं आज धमतरी दौरे में रहेगी, राष्ट्रीय अध्यक्ष धमतरी में बैठक लेगी वहाँ महिला मोर्चा के पदाधिकारी का। तो कहीं ना कहीं जो आगामी चुनाव है उसको लेकर ये 3 दिवस से उनका प्रवास माना जा रहा है और लगातार महिला मोर्चा के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर रही है। वहीं उन्होंने ये भी कहा कि रमन सिंह के नेतृत्व में फिर से चौथी बार बीजेपी की सरकार छत्तीसगढ़ में बननी है और महिला मोर्चा इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो बूथ पर फोकस करते हुए 10 महिलाओं को सक्रिय रूप से काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है और आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी इस बैठक में चर्चा की गई है।